टॉपलेस प्लस की पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें हमें धमाकेदार ट्रैक देखने को मिल रहा है हेलो दोस्तों मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई बिल जैसा कि हम एपिसोड में देखते हैं कि अभिमन्यू को नील बताने आता है कि एक बहुत प्यारी जगह मिली है और वहीं चलते हैं तभी आरोही आती है और कहती है कि हम सब भी ज्वाइन कर सकते हैं क्या अभिमन्यू कहता है ज़रूर तभी आरोही नील से टकराती है और नील का फ़ोन टूट जाता है और अभिमन्यू को नील कहता है कि उस छिपकली ने मेरा फ़ोन तोड़ दिया और आपने कुछ नहीं कहा अभिमन्यु कहता है कोई बात नहीं नया फोन ले लेना तभी नील कहता है नहीं भाई आपने मेरे लिए पहले से ही इतना कुछ किया है कोई सगा भी नहीं कर सकता है इस पर अभिमन्यु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी पता चलता है कि जो नील है अभिमन्यु का अपना भाई नहीं है वेल वहीं अक्षरा ये देखती है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि काश आरू भी ये समझ पाती आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु की माँ अक्षरा की दादी को कॉल करती है और कहती है कि आपकी बेटी भी क्या मास फेस्टिवल में गई है तभी अक्षरा की दादी कहती है हां तभी अभिमन्यु की मां कहती है कि लगता है ऊपर वाले ने पहले से ही इनकी कहानी लिखी है लेकिन अभिमन्यु की मां सोचती है कि डॉक्टर आरोही उसके घर बहू बनकर आने वाली है और वो काफी ज्यादा खुश होती है आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु अक्षरा आरोही वंश कायरब ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक जोड़े की प्रेम कहानी बहुत फेमस होती है तभी वंश कहता है कि प्यार क्या होता है आरोही कहती है कि प्यार एक जीत है जिसे जीता जा सके बराबरी है जो कि दिखने में बराबरी का हो प्रोफेशन में भी और यहाँ पर आरोही की बातों को अभिमन्यु नज़रअंदाज कर देता है और वो अक्षरा से पूछता है कि प्यार क्या है तभी अक्षरा कहती है जिसे हार कर भी जीता जा सके वो प्यार है आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु की माँ घर में सभी को रिश्ते के बारे में बताती है अभिमन्यु के रिश्ते के बारे में जो कि गोइनका से आया हुआ होता है तभी यहाँ पर जो महिमा है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जब शादी का कार्ड छप जाए तभी मुझे बता देना और यहाँ पर अभिमन्यु के पिता भी काफ़ी ज़्यादा महिमा पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अभी शादी हुई नहीं है और हम सब मिलकर हैंडल करेंगे आगे हम देखते हैं कि अभिमन्यु अपनी फीलिंग्स को अक्षरा के सामने एक्सप्रेस करता है लेकिन जैसे ही वो अक्षरा का नाम लेने जाता है तभी अक्षरा चली जाती है आगे अब भीमन्यु को हम काफ़ी ज़्यादा तड़पता हुआ देखते हैं और वो अपने दिल का इजहार जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि अक्षरा आई लव यू उसे एहसास होता है कि वो अक्षरा से प्यार करने लग गया है वहीं आगे हम देखते हैं कि अक्षरा और अभिमन्यु के बीच में हमें रोमांटिक और क्यूट मोमेंट देखने को मिलता है वहीं हम देखते हैं कि वंश है जो ये बात करता रहता है कि अगर इक्षा कुंड में जाकर कोई भी विश मांगे तो पूरी हो जाती है अक्षरा अभिमन्यु और आरोही तीनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं हमें देखना यह है कि क्या इक्षा कुंड में जाकर अक्षरा और अभिमन्यु की जो विश होगी क्या वो होती है पूरी क्या अक्षरा और अभिमन्यु हो पाएंगे एक जानने के लिए देखना ना भूलें यह रिश्ता क्या कहलाता है टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें